हेलो दोस्तों, मैंने अभी लेके आया वीवो V20 V20i V20G V20 Pro, जो भी मॉडल वीवो का। अगर चार्जिंग प्रॉब्लम होता है और मेन पीसीबी ओवर हीटिंग होता है, मतलब मदरबोर्ड जो है इसका बहुत ही हीट होने लगता है, अगर इस तरह प्रॉब्लम होता है तो मेरा ये फुल वीडियो देखना चाहिए आपको। इसका एक्चुअली प्रॉब्लम होता है पत्ता से। इसके जो सब पीसीबी से पत्ता जो आया है मेन पीसीबी तक, इस पत्ता में इसका प्रॉब्लम होता है। पत्ता में कहाँ पे प्रॉब्लम होता है आपको अभी दिखाएगा, अच्छे से दिखाएगा। वीवो ओप्पो बहुत सारे मॉडल में अभी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, चार्जिंग प्रॉब्लम। ये पत्ता ध्यान से देखो, ये जो वी चार्ज का जो लाइन है, ये लाइन में सिर्फ हल्का हल्का पतला पतला दो पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे। और मेन पीसीबी में देखना भी चाहिए, यहाँ पे देखो। और चार्जिंग का जो वोल्टेज होता है, ये थोड़ा काफी स्ट्रांग वोल्टेज होता है, 2 एम्पियर 3 एम्पियर का चार्जर लगाने की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे लूज हो जाता है। तो आपको करना क्या है, एक जम्पर करना चाहिए। कहाँ पे जम्पर करना है, यहाँ से इस लाइन से इस पॉइंट तक, ठीक है। एक तो जम्पर करके लगाना चाहिए। आपका जो प्रॉब्लम है चार्जिंग प्रॉब्लम, मदरबोर्ड ओवर हीट होना, चार्ज नहीं होना, इस तरह जो भी प्रॉब्लम है सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा एक जम्पर से। एक बार ट्राई करके देखो। तो अभी मैं जम्पर करके आपको दिखाएगा डायरेक्ट। यहाँ पे देखो स्क्रीन में मैंने जम्पर कर दिया, ठीक है। आप लोग भी इसी तरह सेम टू सेम जम्पर कर दीजिए, 100% आपका प्रॉब्लम ठीक होगा। अगर प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है तो मुझे कमेंट करके बोलो। बहुत सारे मोबाइल भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, चार्जर में लगा दिया रात भर में 2% नहीं हुआ, उल्टा माइनस हो जाता है। इसी तरह आप लोग जम्पर कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अगर मदरबोर्ड ओवर हीटिंग हो रहा है फिर भी एक जम्पर कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम 100% ठीक होगा। तो अभी चेक करते देखते हैं ये मेरा काम सक्सेस हुआ कि नहीं, चार्जिंग शो हो रहा है का नहीं, ठीक है। वीडियो अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरा चैनल को। यहाँ पे देखो चार्जिंग लोगो आ गया। तो इसी तरह से काम करते रहो दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे, फिर से बोल रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरा चैनल को। थैंक यू।